नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं आवाज। तो आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य सुर्खियों पे। दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन एक दिन बाद होगा रजिस्ट्रेशन। रूस का दावा, 12 अगस्त को होगा पंजीकरण। मनीष प्रभात बनाए गए उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत, जल्द संभालेंगे कार्यभार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस से हुए संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। बेरूत धमाकों का असर लेबनान में, प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार का इस्तीफा। राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच मुलाकात, पायलट से सुलह करने की कोशिश। संजय दत्त हुए स्वस्थ, अस्पताल से मिली छुट्टी, सांस लेने में तकलीफ के बाद हुए थे भर्ती। रिया पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा आरोप लगाने से पहले ही मीडिया ने मुझे दोषी ठहरा दिया। वहीं दूसरी तरफ ईडी में पूछताछ जारी। बिहार में समय पर ही होंगे चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा महामारी के बीच चुनाव कराने को है तैयार। बाढ़ के मुद्दे पे प्रधानमंत्री के साथ बैठक में नीतीश कुमार ने नेपाल से सहयोग का विषय उठाया। तो आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खेल समाचार पे। भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं पाकिस्तान के प्रतिबंधित बॉलर दनिश कनेरिया, अयोध्या आने की जताई इच्छा। बीसीसीआई को सरकार ने यूएई में आईपीएल आयोजित कराने की मंजूरी दी। 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच होगा टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने आईपीएल से किया समझौता, मिलेंगे 11.5 करोड़ रुपए। आगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही हमारे साथ, आप देख रहे हैं आवाज। धन्यवाद।